अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप मेरा चैनल देख रहे हैं साके व्लॉग। तो आज हमने मंगवाया स्टेबलाइज़र। जो पहले वाला स्टेबलाइज़र था वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से वो जल गया था, तो इसलिए आज जो है ऑनलाइन मंगवाया है। तो आज ही पहुंचा है, तो देखते हैं इसको खोल के कैसा है। तो अभी पहुँच चुका है, अभी देखते हैं इसको खोल के, और मुकम्मल कॉपर में है। फिर इसको हम जो है फ्रिज के ऊपर लगा के देखेंगे। पहले इसको खोल के हम चेक करते हैं कि जो हमारा ऑर्डर था वही आया है कि चेंज करके दिया उन्होंने। तो पहले हम इसकी तसल्ली करते हैं और उसके बाद हम जाके इसको फ्रिज के ऊपर जो है फिट करते हैं और फ्रिज को चलाते हैं। हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी जो है कंडीशन चेक करते हैं। इसको खोल के डब्बे में से निकाल के इसकी जो है कंडीशन वो चेक करते हैं, और जो ऑर्डर हमने किया था वही आया है। हम इसकी तसल्ली के लिए पहले इसको खोलते हैं। तो खोल के पहले इसके जो है डब्बे को खोलते हैं, चाबी के साथ ये ऊपर से जो इन्होंने डोरी लगाई हुई है, पहले इसको हम खोलते हैं। तो माशाल्लाह जो हमने मंगवाया था सेम वही ऑर्डर आया है हमारे पास। तो अभी इसके ऊपर जो ये पॉलिथीन है हम ये उतारते हैं। तो माशाल्लाह से इसको मैंने खोल लिया है, पोलिथीन इसका उतार दिया है। तो इसको अब हम पहले तो वैसे ट्राई इसकी लेते हैं, पहले वैसे इसको लगा के इसकी पावर चेक करते हैं, और पावर चेक करने के बाद फिर बाद में हम इसको फ्रिज के ऊपर फिट करेंगे और फ्रिज को चलाएंगे। तो चलते हैं, पहले इसकी ट्राई लेते हैं, पहले इसको ऐसे ही चला के चेक करते हैं। तो इसको मैंने टेबल पे रख ली है, और जो इसकी लीड है इसका स्विच है वो बोर्ड में लगा दी है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ब्रेकर लगा हुआ है इनका, तो ब्रेकर को ऑन करते हैं और इसकी सप्लाई चेक करते हैं। पहले तो हम इसकी पहले जो है सप्लाई चेक कर रहे हैं इसको ऑन करके। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, सप्लाई बिल्कुल ठीक आ गई इसके अंदर। आप देख सकते हैं इसके वोल्टेज भी देख सकते हैं, मीटर लगा हुआ है, वोल्टेज मीटर 220 पे चला गया। अब इसको हम फ्रिज के ऊपर लगा के इसको जो है फ्रिज को चलाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये रही फ्रिज, और इसको अब हम जो है इसका स्विच लगाते हैं इसके साथ। ये रहा स्विच इसका। तो सप्लाई हम इसको यहाँ से देंगे, ये बोर्ड लगाया हुआ हमने, तो यहाँ से सप्लाई दे के इसको तो स्टार्ट करते हैं। इसको स्टेबलाइज़र को जो है मैंने पोजीशन पे फिट कर दिया है, और स्विच जो है उसका लगा दिया है। अब इसके जो है ब्रेकर से ऑन करते हैं इसको। बिस्मिल्लाह, तो ये ऑन हो गया है। तो तकरीबन ये 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद आगे इसकी सप्लाई आएगी इसके अंदर। जब इसके वोल्टेज पूरे हो जाएंगे तो इसके अंदर सप्लाई आएगी 2-3 मिनट बाद। तो देखते हैं, जब तक ये सप्लाई नहीं आती हम आपको ये दिखाते हैं कि कितनी देर में यहाँ तक सप्लाई पहुँचती है, और उसके बाद ही फ्रिज जाके चल पाएगी। तो इंतज़ार करते हैं इसका। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं सप्लाई आगे ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं फ्रिज भी स्टार्ट हो गई है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, और दूसरी लाइट भी जल गई है। पीछे 220 वोल्टेज आ रहे हैं, और आगे भी आप देख सकते हैं 220 पे चल गई है फ्रिज। माशाल्लाह से बहुत अच्छी जो है क्वालिटी का ये स्टेबलाइज़र है। आज दोस्तों फ्रिज जो है वो स्टार्ट हो गई है। माशाल्लाह से
जो स्टेबलाइजर में सप्लाई आ चुकी है, फ्रिज ऑन हो चुकी है। तो ये था आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी पे करते हैं एंड। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।